विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी दिख रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से ही विपक्ष जातिवार जनगणना की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और इससे पहले शनिवार को नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष ने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया तो नेता सदन ने सपा पर आरोपों की झड़ी लगा दी। विपक्ष सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, उसके तेवर बरकरार हैं। ऐसे में सदन में सोमवार को भी हंगामा होने के आसार। विधानसभा में सोमवार को शामली में विधायक प्रसन्न चौधरी ने प्रदेश में हादसे में प्रतिदिन 50 से 60 मौतों का जिक्र करते हुए सरकार से ट्रॉमा सेंटर की जानकारी मांगी। इस पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार से पहले 13 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब हर जनपद मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 36 ट्रॉमा सेंटर हैं, लेकिन चिकित्सकों की कमी की वजह से दिक्कत है, इसलिए सरकार 2382 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करने जा रही है। इसके लिए विज्ञापन निकाला गया है। संख्या एक, प्रश्न संख्या एक, श्री प्रसाद। स्थिति में यदि मरीज को सही समय पर सही ट्रीटमेंट और सही डॉक्टर मिल जा, सही दवाइयां मिल जा। 2017 से लेकर अब तक इस दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। चिकित्सकों की पहले कमी थी, पहले मात्र सरकारी क्षेत्र में 13 मेडिकल कॉलेज। 46 में से 56 देश और प्रदेश जानना चाहते।